नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों फिल्म ऊंचाई आज कितना कलेक्शन करने वाली है, मतलब कि अपने डे 15 को कितना कलेक्शन करने वाली है, इसके बारे में आज का वीडियो है। दरअसल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऊंचाई फिल्म का जो पहले हफ्ते का कलेक्शन था वो आया था करीब 17.02 करोड़ रुपीज, और दोस्तों सेकेंड वीक का जो कलेक्शन है वो भी 19.37 करोड़ रुपीज के आसपास रहा है। तो ये कलेक्शन अच्छा खा जाएगा कि फर्स्ट वीक से सेकेंड वीक में बहुत ज्यादा ड्रॉप नहीं है। तो कुल मिलाकर के कलेक्शन हो गया है इसका जो दो वीक का डे 14 तक का कलेक्शन हो गया है 26.39 करोड़ रुपीज से 26.45 करोड़ रुपीज के बिटवीन। अभी कुछ डाटाज में 5-7 लाख रुपए इधर उधर हो सकते हैं, एक्यूरेट कलेक्शन अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन आप करीब करीब ये मान लीजिए कि 26.35 करोड़ से 26.45 करोड़ के बीच में इसका कलेक्शन दो हफ्ते का हो चुका है। अब दोस्तों यहां से ऊंचाई फिल्म के लिए आज थोड़ा कलेक्शन और डाउन हो सकता है। कल इसका कलेक्शन करीब 65 लाख रुपए के आसपास आया है, आज कलेक्शन में कुछ और ड्रॉप देखने को जरूर मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि आज शुक्रवार है और आज एक नई फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है बेड़िया, वरुण धवन की फिल्म है। और इसके अलावा दृश्यम 2 अभी तक बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है, जबरदस्त कलेक्शन कर रही है। तो डेफिनेटली ऊंचाई फिल्म को अब ना केवल दृश्यम 2 से फाइट करनी होगी, बल्कि दोस्तों बेड़िया से भी मतलब एक मुकाबला करना होगा। तो दोस्तों बेड़िया के पास काफी ज्यादा स्क्रीन्स और शोज है, और दृश्यम 2 के पास भी अभी भी काफी बड़ी संख्या में शोज और स्क्रीन्स है, और ऊंचाई के पास आप जानते हैं कि बहुत ही कम संख्या में स्क्रीन्स और शोज बचे हुए हैं। तो ऊंचाई फिल्म का कलेक्शन आज डेफिनेटली अफेक्टेड होगा, और आज कल के मुकाबले कलेक्शन में काफी ड्रॉप हो सकता है, 10 से 20% का ड्रॉप कल के मुकाबले आज कलेक्शन में देखने को मिल सकता है। तो कल 65 लाख रुपए का कलेक्शन आया था, तो करीब 10% का भी ड्रॉप माने तो करीब 58 लाख रुपए के करीब इसका कलेक्शन बैठता है आज का, और अगर 20% का आप ड्रॉप माने तो करीब करीब दोस्तों 52 से 53 लाख का कलेक्शन आज आ सकता है। तो मेरा जो आज का प्रिडिक्शन है ऊंचाई फिल्म का जो कलेक्शन का, वो मेरे हिसाब से आज 50 to 60 लाख, 50 से 60 लाख रुपए के बीच में कहीं पर यह कलेक्शन आज रहेगा। इससे ज्यादा का कलेक्शन आज आने की उम्मीद है नहीं ऊंचाई फिल्म से किसी भी हालत में, क्योंकि बेड़िया का फर्स्ट डे डेफिनेटली लोग फिल्म देखने के लिए जाएंगे, और दृश्यम 2 भी थिएटर्स में है, ऊंचाई के पास स्क्रीन नहीं है, शोज नहीं है, तो इस कारण से आज इससे ज्यादा कलेक्शन ऊंचाई फिल्म का नहीं आएगा। लेकिन कल डेफिनेटली शनिवार को और फिर परसों संडे को फिल्म के कलेक्शन में एक बार फिर से ग्रोथ होगा। अब कितना ग्रोथ होगा ये मैं आपको कल के वीडियो में बता पाऊंगा कि ऊंचाई फिल्म के पास अब कितने स्क्रीन्स और कितने शोज बचे हैं और किस प्रकार की ये ग्रोथ कल कर सकती है। तो आज का कलेक्शन करीब 50 से 60 लाख रुपए के आसपास रहने की उम्मीद है। तो ऊंचाई फिल्म का कलेक्शन अगर मैं 60 लाख रुपए मानूं आज का, तो करीब करीब फिर ये कलेक्शन हो जाएगा 27 करोड़ रुपए के आसपास इसका कलेक्शन आज हो जाएगा। खैर जो भी इसका एक्यूरेट कलेक्शन आ जाता है उसके बारे में मैं आपको कल सुबह के वीडियो में जानकारी दूंगा। और ऊंचाई फिल्म अगर सैटरडे और संडे को बड़ा जंप अगर कलेक्शन में दिखाती है, तो फिर दोस्तों इसके लिए ये फायदा होगा कि आने वाले वीक में ये फिल्म अपने बजट के बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच जाएगी, क्योंकि 30 करोड़ अगर ये क्रॉस कर लेती है सैटरडे और संडे को मिला करके, तो फिर इसके लिए बहुत आसान हो जाएगा अपने बजट को क्रॉस करने में, बजट से पार निकलने में। देखने वाली बात होगी, लेकिन मुझे लगता है कि चाहे कम शोज हो कम स्क्रीन हो, लेकिन ऊंचाई फिल्म अभी तक कम से कम 2 हफ्ते तक थिएटर्स में टिकी रहने वाली है, ये मुझे जरूर लग रहा है। तो धीरे धीरे ही सही फिल्म अपनी मंजिल की ओर जरूर आगे बढ़ेगी, और डेफिनेटली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित होगी। हालांकि इसको अभी भी यही कहा जा रहा है कि फिल्म हिट हो चुकी है, क्योंकि ओवरसीज से काफी अच्छा कलेक्शन आ गया है, इसके अलावा वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन बजट को कवर कर चुका है, OTT सैटेलाइट म्यूजिक राइट से फिल्म को 70 करोड़ रुपीज प्रोड्यूसर्स को ऑलरेडी प्राप्त हो चुके हैं। तो ये सब बातें फिल्म को एक हिट तो बनाती ही है। खैर देखते हैं फिल्म एक थियोरेटिकल हिट किस प्रकार से साबित होती है, क्या ये अपने बजट को कवर कर पाती है या नहीं। जो भी आपकी राय हो आप कमेंट करके बताइएगा, और अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।